न्याय के ऊपर चर्चा हमने प्रारंभ की थी। न्याय किसे कहते हैं, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के न्याय होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? निश्चय और प्रमाण। निश्चय न्याय किसे कहते हैं? यथार्थ निरूपण करे सो निश्चय, और उपचरित निरूपण करे उपचारी, और उपचार से निरूपण करे यथार्थ निरूपण करे सो प्रमाण। जिस द्रव्य के भाव को जिस द्रव्य का कहना वो निश्चय, अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना व्यवहार, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कहना सब व्यवहार के भी अपने दो भेद किए थे, कौन से? सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत व्यवहार ने असद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने क्या है? भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो अभेद बताया वो असद्भूत है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में क्या बताया? अभेद बताया। और सद्भूत व्यवहार ने अभिन्न एक वस्तु को अनेक रूप बताया वो सद्भूत है। एक को अनेक बताना सद्भूत है, अनेक को एक बताना असद्भूत है। अनेक वस्तु अनेक एक बताना, इसके फिर दो भेद किए असद्भूत के भी, कौन कौन से? उपचरित अनुपचरित। माने भिन्न भिन्न वस्तु तो है, लेकिन अब भिन्न भिन्न तो कितनी भिन्न है अत्यधिक भिन्न है, क्षेत्र से भी भिन्न है, वो असत उसमें जाएगी उपचरित में। और जिनसे एक क्षेत्रों का संबंध है, संबंध एक क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन भिन्न भिन्न है, उनको एक कहना वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। पीछे क्या बात चल रही है, क्या समझ में आया? क्या कहा मैंने? जो एक क्षेत्र होगा संबंध, एक क्षेत्र होगा जिसका है, मतलब एक ही क्षेत्र में रहने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो नए एक कहता है वो उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए है। और जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहने वाली वस्तुओं को एक कहता है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार। देखो तीन बातें, एक तो जिनका संबंध एक क्षेत्र होगा नहीं है उपचरित, किसको कहेंगे? जिनका एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है, ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं को जीव की कहना, मतलब जीव का जिससे एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है, जीव और उसका एक क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्र है, और फिर भी ऐसी चीजों को जीव की कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं मिल जाएगा। जैसे मकान और हम स्वयं एक क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र, मकान वही रह गया, हम यहाँ आ गए, एक क्षेत्र होता तो हमारे साथ आता हो, पत्नी पत्नी का और अपना एक क्षेत्र होगा संबंध है कि भिन्न क्षेत्र होगा संबंध, पुत्र जायदाद सोना चांदी गांव देश नगर सब, इन सबको जो नए अपना कहे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि बिल्कुल भिन्न वस्तुओं को अपनी कह रहा है। और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है जो एक क्षेत्र होगा संबंध में है अपने से उसको अपना कहे वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। अब एक क्षेत्र होगा संबंध को किसका है? जान जिसका, मतलब इस आत्मा का जो क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र पे जो दूसरी वस्तु है उसको जो अपनी कहे है दूसरी पर अपनी कहे पर उपचरित असद्भूत व्यवहार है। देह शरीर अपना कर्म, कर्म है ना, कारमान शरीर कर्म, कर्मों को आत्मा कहना, तेज शरीर को अपना कहना, कारमान को औदारिक शरीर को अपना कहना, सब एक क्षेत्र का संबंध जीव का, इनसे इनको जीव का कहना या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। कर्म के दिया तो उसमें आ गए कि नहीं आ गए? जिनसे अपना जन्म से मरण तक का साथ ना हो वो कायम जाएगी,
उपचरित हो जाए, जिनसे जन्म से मरण तक का साथ हो, जैसे पत्नी का जन्म से मरण तक के साथ की गारंटी, जन्म के समय साथ थी पत्नी की बनेगी नहीं तो मरते तब तक गारंटी। पिता जन्म के समय साथ थे, भाई हो सकता है साथ लेकिन मरते तब तक साथ रहेगा गारंटी। जन्म से मरण तक की जिसकी गारंटी हो कि वो अपने साथ रहेगा उसको अपन काय में डालेंगे अनुपचरित। बाकी जो जिसका जन्म से मरण तक का साथ नहीं है वो काय में जाएगा उपचरित। जिनसे जिनका जन्म से मरण तक का साथ नहीं है वो उपचरित, जिनका संबंध है जन्म से मरण तक साथ वो अनुपचरित। दो बातें की अपन, एक तो एक क्षेत्र होगा संबंध के आधार पर, दूसरा संबंध जन्म से मरण तक के संबंध के आधार, तीसरा एक और कि जिनसे अपने को औपचारिकता निभानी पड़े वो औपचारिकता निभानी पड़े, जिनसे वो कहा जाएंगे उपचरित, और जिनसे अपने कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वो कहा जाएंगे अनुपचरित। चौथा एक और दूर के संबंधी, क्योंकि औपचारिकता दूर से ही निभानी पड़े, दूर की चीजें उपचरित और नजदीक की अनुपचरित। चार बातों से अपन उपचरित और अनुपचरित में विभाजन कर सकते हैं कि ये कौन से दय का विषय है। हिंदुस्तान मेरा देश है, हिंदुस्तान की टीम जीत जाए तो ऐसा लगे अपने अपन जीत गए, उपचरित सब उपचरित में औपचारिक है। हिंदुस्तान अपना है, लोग कहते हिंदुस्तान मेरा है, आपका क्या है क्षेत्र क्रमांक पांच। अच्छा तुम तो किराए के मकान में रहते हो, तुम्हारा क्षेत्र क्रमांक पांच पूरा हो गया तुम्हारा, तो बोलते ही नहीं सही। तो एक जमीन नहीं, एक इंच जमीन नहीं वहां की, और कहता क्या है पूरा का पूरा एरिया ही अपना ही है, इंदौर अपना है, आपका इंदौर 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 देश मेरा है, देश तेरा हो गया, एक इंच जमीन भी देश के अंदर किराए के मकान में रह रहा है देश मेरा हो गया, गांव मेरा है, नगर मेरा है, एक भी कम नहीं है। जब हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान से खेलती है तो लोगों को देखो, मैंने कहा आए तो उपचरित असंतुल हारने में इतने पागल हो रहे हैं, अभी तो पहली भूमिका से ही क्रॉस नहीं हुए तो अनुपचरित में कैसे आएंगे, फिर अनुपचरित भी कहेंगे व्यवहार है, फिर सद्भूत में जाएंगे, फिर सद्भूत के अंदर बात करेंगे, मैंने जिसका यही व्यवहार नहीं छूटा है अभी वो क्या प्राप्ति करेगा तत्व की, कितने स्थूल व्यवहार में अटके हुए हैं, बोलते भगवान को सुना क्या जाते हैं। और कभी कभी तो लोग इंडिया की टीम जीत जाए इसके लिए भी विधान कर लेते हैं। पानी आने के लिए मतलब आजकल काम क्या रह गए भगवानों के। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई नए, ये भी कोई बहुत वो नहीं है, मतलब इसका भी बहुत जबरदस्त इसके संस्कार है, सचिन का मंदिर क्या इसके संस्कार है, जबरदस्त देश मेरा है, गांव मेरा है, नगर मेरा है, भगवान उतरा है जमीन पे। तो मतलब इसका मतलब ये है ना कि ये चीज है कि नहीं अंदर में पड़ी हुई चीज, देश मेरा है, गांव मेरा है, पढ़ो सब संस्कार पढ़ो। असद्भूत है जबकि वो सब बातें, सत्य कुछ नहीं है उसमें, सत्यार्थ बात नहीं है, असत्यार्थ है। एक तो असद्भूत है, असद्भूत में उपचारित असद्भूत है, मैंने बिल्कुल झूठा है एकदम साफ, देश मेरा है बात बिल्कुल झूठी है, गांव मेरा है, नगर मेरा है, मकान मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा, ये सब कहने के लिए है, ये सब लोक में क्या करें अपन, लौकिक व्यवहार के लिए सब कहना पड़ता है, लौकिक व्यवहार बनाए रखने के लिए सब व्यवस्था है, ये अपना हो गया, ये अपन ने जो अपने पैसे से खरीदा वो अपना हो गया, दूसरे पैसे से खरीदा उसका हो गया, ताकि कोई किसी के मकान में घुसे, ये सब लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से पूछो तो कहता है कुछ भी नहीं जीवना क्या, परमार्थ तो कहता है कि जीव का देह ही नहीं है तो मकान कहां से हो जाएगा, ऐसा व्यवहार
निश्चय ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में अपना नहीं, अपना होता तो उसको अपन क्या कहते हैं, निश्चय कहते हैं। समझ में बात। अब बात तो ये कि भाई यदि ये समझ में आया किस तरह से अपने उच्चरित शब्द व्यवहार में क्या रखेंगे अपन, किस किस को अपना कहेंगे, दिमाग लगाना, जो भी शरीर से भिन्न जितनी पर वस्तु है वो सब उच्चरित शब्द है। ये मेरे कुटुंब वाले हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं खंडेल वाल हूँ, कौन वाल हूँ, कौन सा वाल हूँ, जो से भी वाले हैं सारे, कितनी सारी वाले खड़ी कर रखी है, ये सब उपचरित असद्भूत अवार्ड है। मैं जैन हूँ ये भी काम जाएगा उपचरित असद, मैं मनुष्य हूँ मनुष्य, चलो उसमें दफलना, मैं जैन हूँ या मैं यहाँ इस देश का हूँ, इस गांव का हूँ, इस नगर का हूँ, ये मेरे कुटुंब वाले, ये मेरे सासरे वाले, ये मेरे पीरे वाले, ये मेरे निकट के रिश्तेदारी, मेरे मामा है, काका है, नाना बाबा हुआ, क्या क्या ये तो व्रति है, ये अपन उसमें ले लेंगे भले देह के संयम, ये सब उसमें ही है, सब असद्भूत है सब, जहाँ ये अपने को ये कुछ भी व्रति मैं मुनि हूँ ये भी असद्भूत है। यदि ऐसी मान्यता है तो मिथ्या दृष्टि है। मैं एक मानता है मैं शावक हूँ, एक मानता है व्रति हूँ, दोनों मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि दोनों ने असमान जाति मनुष्य पर्याय में एकत्र कर रखा है, एकत्र स्थापित कर रखा, दोनों ने अपने को मनुष्य मान रखा है, मनुष्य मान रखा है तो ये मिथ्या दृष्टि, देह को अपने को एक मानना, ये देह की दशा है। यति अवस्था किसकी? देह की। अयति अवस्था किसकी? ये भी देह की। ये सब देह की अवस्था है, इसमें अपनापन है, इसमें अपनापन होने से फिर उसके अंदर पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार, नहीं पूजे तो उसकी खटिया काट हो जाए, पूजे तो उसको बहुत आशीर्वाद मिले, सब व्यवहार इसलिए है क्योंकि उसमें देव में एकत्व है। यदि देव एकत्व ना हो तो कुछ भी हो, ये देव ही नहीं हमारी, पूजे किसको रहा है, देव को। पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार सब मनुष्य गति का है, पर मनुष्य नहीं है, जानवर मत है कोई पूजा होती, जानवर करते हैं किसी की पूजा, कुछ नहीं जानवरों में पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार, जानवरों में इस जाति की जिस जाति की अपनी कशा होती है ऐसी नहीं होती, जानवरों के कोई होती क्या शादी ब्याह में 25 लाख रुपये खर्च नहीं करते, सब मनुष्यों की मूर्खता है सारी, जानवरों में सब कोई चक्कर ही नहीं, जानवर निरा मनुष्य कितने ऊपर नीचे हो जाता है, शादी करनी है और करनी क्या है उसमें, शादी करने के नाम पे अभी तो ऐसी ऐसी खोटी कुर्तियां चली है, लाखों रुपये करते हैं उसमें, क्या करते हैं होटल के कमरे में ठहरा दिया, वाह, और बेचारा कोई नया आदमी जाए वहाँ घुस गया अंदर, अब बेचारा उसको नली चलाना नहीं आया, नली कैसे चलाना, भला हमने 7,500 रुपये कमरा बुक कराया, अच्छा मैंने कहा वो आदमी मेरे को फोन कर रहा है कि तुम वहाँ लेके आए बाहर, तो तुमको मालूम होगा नल कैसे चलाना, मैं तो यहाँ बैठा हुआ आधे घंटे से, उसकी तो बेचारे की जैसे हाथ जोड़ा उसने भैया कपड़ा छोड़ा, क्या करें क्या चलाना तो नहीं आ रहा उसको, उसके लिए तो मुसीबत आ गई भयंकर, हर काम मतलब 2 घंटे उसके ऐसे बीते हैं कि जिंदगी भर उसको शादी याद होती, बाप रे बाप, क्या उसमें क्या उसको आनंद मिल गया, क्या कोई दरवाजे के अंदर ला पड़िया बेचारा चिल्ला रही, बोले 5,000 रुपये कमरा है, 5,000 का है का तो लॉक हो गया अंदर, क्या ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब मूर्खताओं के संसार में कभी तो ही नहीं है। अभी हमारे परिचित की शादी है, इनको बाहर ले जा रहे हैं सब लोग बाहर, इंदौर से बाहर जा रहे, मैंने कहा भैया सबसे जो है ना ट्रेवलिंग का जो जॉब होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ख़राब काम माना जाता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना कितनी आकुलता का काम है, इनके और शादी करा रहा है कि उसको बेचारे को वहाँ ज़बरदस्ती दिन भर ट्रेन में बिठा रहा, उसको आधे में ट्रेन में बिठा के ला बोले वहाँ जाके इनका करेगा क्या वो आदमी वहाँ, लेकिन संसार के अंदर मतलब सच में थोड़ा भी तत्व ज्ञान नहीं होता तो लोग ऐसी पागलों जैसी हरकतें करते हैं कभी कभी कि विचार आता है कि इनको क्या हो गया। मेरे को एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक बात बताई, बोले अपने जैन समाज का कम से कम 1,000 रुपये बताया
1000 करोड़ रुपए कम से कम हर साल बिल्कुल शादी में बिल्कुल बिल्कुल निरंतर व्यस्त रहते हैं। होटल को न बैंड बाजे वालों को न सजावट में न कमरों में कुछ तो एक हजार करोड़ तो उनको एक नंबर वाला इनकम टैक्स आने इतनी स्थिति खराब मतलब 1000 करोड़ रुपये पानी में जा रहा है समाज का आराम से लेकर अब तो उसकी होड़ लगी हुई है। तो ये सब तिरंचों में वार नहीं है सर, उनमें तो ही नहीं कुछ चक्कर है सर, ये सब मनुष्यों में मान प्रसाद तीव्र होती है तो मान के लिए कर्जा लेके भी खर्च करने को तैयार है। मेरे को दिखाना है तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे चक्कर में और क्या। तो ये जितने भी ये सब मनुष्य गति का व्यवहार है ये तो मनुष्य गति के व्यवहार के आधार पर कुछ भी कहें हमने आपको तो वो सब असद्भूत है। जब मनुष्य नहीं है तो उसके आधार पर सारा व्यवहार ये मेरे को इतना अच्छा कह गए, ये मेरे को इतना अच्छा कह गए, कह गए वो कह गए कोई बात ही नहीं है। ये मेरे पीरे वाले हैं, ये मेरे सासरे वाले हैं, वो वाले हैं, ये किसके हैं? तुमने मनुष्य पर्याय में एकत्व स्थापित कर रखा है, अभी बिल्कुल नीचे बैठे हो, नीचे माँ मिथ्या दृष्टि घोर, तुम मनुष्य ही नहीं हो तो कौन अपना है फिर? मनुष्य देह के संबंध से अपने आप को मनुष्य कहते हैं। बोलने की बात अलग है, तो अपन व्यवहार बोलने के लिए तो ही नहीं अपने यहाँ सीखने बैठा, मतलब अपनी मान्यता ठीक करने के लिए बोलने में तो आप ये बोलना भैया कि मेरे मेरे सासरे वाले हैं, मेरे पीरे वाले हैं, जो ही बोल रहा है वो बोलने की भाषा तो ही नहीं अपन सीख रहे हैं। यहाँ तो ये बात ये समझी जा रही है कि ये वस्तु तत्व नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम तो बोलो आप बोल रहे हैं ऊटपटांग बोलो, आपको ऊटपटांग ही बोलने के लिए दिया है संसार, फिर संसार उसी का नाम है जहाँ मूर्ख रहते हैं। तो मूर्खों के बीच में तो मूर्खता की भाषा बोली जाएगी, अज्ञानियों से अज्ञानी की भाषा बोली जाएगी, लेकिन समझना तो अपने को पड़ेगा ही ना कि ये वस्तु तत्व मतलब ये वास्तविकता नहीं है। ये यदि इसको अपना मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य अपने को मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है। फिर अपन तो बात अपनी मूल पे आए तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में शरीर के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबको उपचरित असद्भूत व्यवहार ने अपना कहता, अपनी है नहीं लेकिन अपनी कहता। ज्ञान तो जीव का है, जो जीव का नहीं है एक क्षेत्र हुआ संबंध भी नहीं है उनको जीव का जो नहीं कहता है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने है। चार आधार बताया जाए इसका, सबसे पहला पहला क्या होता है एक क्षेत्र होगा जिनका संबंध नहीं है उपचरित और अनुपचरित में एक क्षेत्र होगा का संबंध है। दूसरी बात जन्म से मरण तक साथ नहीं है किसमें उपचरित वालों का और अनुपचरित वालों का जन्म से मरण तक का साथ। तीसरा उससे औपचारिकता निभानी पड़ती है, उससे औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, दूर के संबंधी है निकट का संबंध। तो देह को छोड़कर बाकी सबको अपना कहना वो औपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं करता, और देह को आत्मा का कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार देह को अपना होगा। और देह के आधार पर अपने को मनुष्य कहना, त्रियंश कहना, देव कहना, नारकी कहना, पंचेंद्री कहना, स्त्री पुरुष, मनुष्य स्त्री कहना, पुरुष कहना, नपुंसक कहना, ये सब क्या है अनुपचरित। आप स्त्री हो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं करता, और आप बंगाली हो ये कौन सा नया कथन है उपचरित का, क्योंकि स्त्रीत्व का संबंध शरीर से और बंगाल का संबंध क्षेत्र से, क्षेत्र अपने साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो देह के संबंध से मतलब देह को अपना कहना ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है, और देह के सिवाय अन्य पर वस्तुओं को अपना कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। और ये दोनों ही क्या है असद्भूत है, असद्भूत दोनों ही है, सद्भूत नहीं है। सद्भूत माने वस्तु में हो, उसको कहते हैं सद्भूत, जो वस्तु में हो ही नहीं उसको वस्तु की कही जाए वो असद्भूत। जीव का शरीर है ही नहीं और जीव का कहा जा रहा है, जीव के माता पिता है नहीं और जीव के कहे जा रहे हैं, जीव के धन पैसा मकान रुपया जायदाद जीव के नहीं है और जीव के कहे जा रहे हैं, इसलिए क्या हुआ असद्भूत, क्योंकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो नाम ही उसका ज्ञान सद्भूत, वो नाम ही उसका क्या है असद्भूत, माने ये नहीं है। जो वस्तु में नहीं है उसको वस्तु का कहना वो असद्भूत है, असत्यार्थ है।
देह को अपनी कहना अनुच्छेद है, देह के आधार से किसी, जब देह को अपना कहा तो देह के आधार से जो भी चीज है उसको अपनी कहना वो कहा जाएगा अनुच्छेद, 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 देह को अपना कहना अनुच्छेद। और देह से संबंध से जैसे मनुष्य देही है ना, मनुष्य देह के आधार पर अपने को मनुष्य कहना, क्योंकि मनुष्य कहा है किसके आधार पे, देह के आधार पे। पंचेंद्री कहा है देह के आधार, नारकी कहा है देह के आधार, देह के आधार से अपने को कहना अनुच्छेद, मतलब देह को अपना कहना या देह के आधार से अपने, देह के आधार से अपनी चीजों को अपना कहना। देह के आधार से अपना जो देह है, जैसे मनुष्य शरीर जीव का है, मतलब जीव का मतलब एक चेतना का संबंध है, तो है वहां मनुष्य कहा वो शरीर के आधार से कहा, पंचेंद्री कहा वो शरीर के आधार से कहा, और बंगाली वो शरीर के आधार से कहा, मतलब क्षेत्र में रहता है, अन्य क्षेत्र में रहता है, मनुष्य तो सभी है, लेकिन एक को कह दिया क्या, एक का कह दिया, तो ये सब अनुच्चरित में जाएगा। जैसे मकान वाला कहना, पैसे वाला कहना, गाड़ी बंगले वाला कहना, बाल बच्चे वालों कहना, ये सब कहा जाएगा उच्चरित, और शरीर को अपना कहना अनुच्चरित। इतना ध्यान रखो आप, तो बाकी सब बहुत सरल चीज चक्की बात, कि देह को छोड़कर अन्य समस्त पल पदार्थों को अपना कहना उपचरित असद्भू व्यवहार में है, और देह को अपना कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। ये दोनों असद्भूत हैं, व्यवहार में है। देखो हम अपन इस पे एक शब्द पे जाएंगे, उपचरित और अनुपचरित तो क्यों कहा है तो मैंने बताई दिया, उपचरित अनुपचरित का डिफरेंस। असद्भूत क्यों है, क्योंकि दोनों ये वस्तु के नहीं है, इसलिए असद्भूत है, क्योंकि ये वास्तव में जीव के नहीं है, असत्यार्थ है बात की जीव के, ये सच्ची बात नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और व्यवहार क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, माने व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, इसलिए व्यवहार। अब नए तो नए उसको कहते हैं जो सम्यक ज्ञान का अंश हो, तो ये क्या सम्यक ज्ञान है, देह को अपना कहना सम्यक ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान है। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा है, तत्व के बारे में मूड है मिथ्या दृष्टि, तो उसको मिथ्या दृष्टि कहना चाहिए, सम्यक दृष्टि। देह आत्मा को एक मान जाना क्या कहना चाहिए, मिथ्या दृष्टि कहना चाहिए। तो जो ये नए कैसे कहलाएगा, नए तो कुन है हुआ है, कुन है नए, तो उसको कहते हैं जो सम्यक ज्ञान का अंश हो, सम्यक ज्ञान का हुआ, ये तो मिथ्या ज्ञान हुआ। तो देखो ऐसा है, सम्यक ज्ञान का अंश है, लेकिन सम्यक ज्ञान के अंश रूप में इसको व्यवहार नहीं में माना गया ना, कि ये व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ सत्य नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार नहीं तो कहा है, कि कौन सा नहीं है, व्यवहार है, मैंने वो व्यवहार कह रहे हैं कि वो व्यवहार सत्यार्थ नहीं है, असद्भूत है। जैसे हमने किसी का नाम लिख दिया असद्भूत व्यवहार नहीं, तो मतलब जो बात कहेगा वो सत्यार्थ नहीं कहेगा, तो फिर स्थान क्यों व्यवहार, फिर नहीं क्यों कहा, क्योंकि व्यवहारिकता के लिए इसको स्थान दिया गया। व्यवहारिकता कैसे देखो मैं बताता हूँ, इसके क्यों इसकी उपयोगिता ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल अनुपयोगी है। उपयोगिता यह कि एक तो अपना लोक व्यवहार सब इससे चलता है, इससे सारा लोक व्यवहार बंद, अपन जो भी बातें करते हैं इससे, क्या मेरी पत्नी आपके घर पे तो नहीं, ऐसे पूछेंगे तो पूछेंगे, अरे वो इस देह का जिससे कुछ समय पहले संबंध हुआ उसकी आत्मा कहीं तुम्हारे घर पे तो नहीं आएगी, तो लोग कहेंगे क्या हो गया आपको समय समय, मतलब भाषा जो होती है वो व्यवहार नहीं की होती, इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान मिला है, क्योंकि वो अपन ने कहा ना कि वो जो है वो व्यवहार में है, उस निश्चय तो नहीं है लेकिन वो व्यवहार तो है ना, यदि उसको व्यवहार के स्थान पे भी नहीं मानेंगे तो वो कुछ लौकिक व्यवहार ही बंद हो जाएगा, अपना बोल नहीं बंद हो जाएगा, फिर तो बोले कैसे, जबकि बोला चले तो ऐसे ही बोला जाता, मेरी पत्नी आपके घर पे है क्या, लोग अपने पूछते क्यों आपका मकान कहाँ है, तो हम बताते वहाँ है, ये सुन के मेरा मकान, देखो निश्चय से तो मेरा कोई मकान ही नहीं है, लेकिन ये देह जिस जिस क्षेत्र में रहता है उसको मकान कह दिया जाता है, तो वो भरत क्षेत्र के आगे क्या कह रहे हो, ये कौन सी जगह,
सब है ना जगत के अंदर वो मूर्ख माना जाता है, अव्यवहारिक बातें होती है क्या ज्यादा किसी को चढ़ जाता है बस वो ऐसी बात बोलता था लोग क्या हो गया इनको। इसलिए ये बोलने के लिए नहीं होता है, बोलने के लिए तो वही बोला जाएगा पर मानने के लिए कुछ और माना जाएगा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली बात है। बोलने के लिए तो अपन बोलेंगे हाँ मेरी पत्नी क्या मेरे बच्चे मेरा मकान मेरी दुकान, तो कोई अपने से पूछेगा भी सही तो अपन ऐसे जवाब देंगे आपकी पत्नी यहाँ है किसी एक बच्चे हैं दो है, ये जवाब देंगे ना। वहाँ वो वाली बात नहीं लगाएंगे अपन की नहीं वो निश्चय से तो नहीं है व्यवहार से कहा गया है ये उच्चैत से है असदभूत से है। हाँ उच्चैत असदभूत से दो है तो उच्चैत से कितने क्या है यदि आपने कही किसी को क्या आपके बच्चे कितने हैं बोलो उच्चैत असदभूत से दो इसका मतलब क्या हुआ कि उच्चैत असदभूत से दो मतलब अनुप कोई दूसरा आया तो उससे एक भी हो सकता है क्या। जैसे हम बोलते हैं क्यों आपके कितने हैं काका जी तो आप कहते जैसे सगे तो तीन तो सगे तीन मतलब इसका अंदर और भी जैसे उपचरित से तो दो है उपचरित से क्या है। अच्छा और तो और प्रथमा नियोग भी जो अपने को बताना है मतलब आचार्य को कहानी बतानी है तो वो भी तो इसी नए के आधार पर टिका हुआ है। हाँ ये तो ही लिखा है कि रामचंद्र जी के शरीर का संबंध क्या सीता नामक जो जीव है उसके शरीर से हुआ कुछ सीधे सीधे राम की शादी सीता से हुई वो वहाँ इतना तो नहीं करेंगे कि उस राम के आत्मा के शरीर का सीता के शरीर के साथ। ये तो प्रथमा नियम की कहानी एक तरफ जाएगी और वो नए चालू हो जाएंगे वहाँ। इसलिए वहाँ वो सब कहते हैं कि ये सब तुम्हारा काम है कि पढ़ के आओ तुम कि यहाँ ये कौन से नए से कहा गया है इतनी बुद्धि तुमको लगानी पड़ेगी हम तो यहाँ सीधी सच्ची बात कहेंगे और हमें जिनको बतानी है वो सब व्यवहारी जीव है वो इसी भाषा में समझते हैं इसलिए उनको उसी भाषा में बताना हमको जरूरी है। हाँ जब हम परमार्थ बताएंगे तो हम इन सबका निषेध कर देंगे कि वास्तविकता ऐसी नहीं है कि ये जो है जीव का दूसरे जीव के साथ कोई संबंध भी है उसका देह के साथ ही संबंध है तो दूसरे जीव के साथ संबंध कैसे हो सकता है ये परमार्थ। लेकिन व्यवहार में लौकिक के अंदर इसकी उपयोगिता है नहीं तो अपना मनुष्यों का सारा लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। मनुष्यों का लोक व्यवहार ही नहीं प्रथमा नियम की कहानियों का वर्णन करने ही खत्म हो जाएगा। कहानी कह नहीं सकते आप कोई भी कहानी नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी कहानी है अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे ये तो व्यवहार नहीं से हुआ तो इन्होंने ऐसे कैसे इनको लिखना चाहिए असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से अयोध्या के राजा दशरथ कहलाते थे परंतु वास्तव में थे नहीं वो तो उपचरित है असद्भूत है व्यवहार है ऐसा नहीं चलता वो है ना। इसलिए नए समझना बहुत जरूरी है आप नए अलग से समझ लो और फिर नए को घटित कर लो कि यहाँ इस प्रकार से कथन शैली मतलब प्रथमानियों की कहानियों की शैली इसी नए से होती है व्यवहार नए से और व्यवहार से सिखाया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वैसे माने तो मिथ्या दृष्टि और वैसा नहीं कहे तो वो अव्यवहारिक कहलाएगा अव्यवहारिक होता है। अभी तो अपन आएंगे उस पर भी अपन ये टॉपिक पूरा कर लें एक बार फिर अपन उस पर भी आ जाएंगे क्या है तो यही बात समझ में क्या है। अच्छा दूसरी बात एक और कि अपने जितना भी मनुष्यत्व का व्यवहार है अपने अपन जो है जानवरों जैसा आचरण नहीं करते मनुष्य जैसे रहते हैं तो मनुष्य जैसे रहते हैं मतलब अपने में कुछ विशेषता है मनुष्यों में कुछ जो है न्याय नीतियाँ हैं कुछ नियम कायदे हैं जिसके कारण आदमी जो है जानवर जैसा ना रहकर आदमियों जैसा रहता है तो वो जो मनुष्यों में मनुष्यत्व बना है मनुष्य व्यवहार है वो इसी नए के आधार पर कैसे देखो कि भाई आज हम लोग अपने अभी जैसे अपनी क्लास छूटेगी तो हर आदमी को मालूम है कि मेरे को किस घर के अंदर घुसना ऐसा तो नहीं कहीं भी घुस गया वहाँ क्या नहीं वो बराबर व्यवहार से अपना मकान है इसलिए अपने मकान में अपने को पूरी घुसने की छूट है क्योंकि यदि अपन यदि यहाँ नए लगाए तो परमार्थ से तो अपना मकान भी अपना नहीं है और यदि व्यवहार नए से भी उसको स्वीकार नहीं किया जाए परमार्थ से तो अपना ही नहीं और यदि व्यवहार भी अपन स्वीकार ना करें तो कोई मकान अपना है ही नहीं फिर कहाँ जाएंगे अपन अपने घर के सामने खड़े निश्चय से अपना ही। और या फिर दूसरा है कि दूसरी स्थिति ये होगी कि अब अपना कुछ है ही नहीं तो कहीं भी घुस जाओ घुसना तो है ही जैसे सांड होते हैं कि सांड
सांड क्या होता है, कहीं भी घुस जाते हैं। चलो सांडों को थोड़ी एक घुस गए थे तेरा मकान, सांडों के लिए कोई मकान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता उनका। किसी खेत पे टूट पड़े, खेत की वो फसल खाने लग गए, किसी गाय किसी सब्जी बेचने वाले की टूट गए, सब्जी वाली बोले कितनी मारे मेरी सब्जी में क्यों घुस गया तू, लेकिन उसके लिए क्या तेरी और मेरी, उसके लिए कुछ नहीं। हाँ आदमी करने लग जाए उसके तो आदमी को जरूर मार पड़ेगी और आदमी को जेल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। उसकी न्याय नीति के कानून है कि आपने दूसरे की वस्तु पे अधिकार जमाया इसलिए ये गलत काम, क्यों, क्योंकि आपकी चीज आपकी है, दूसरे की है, दूसरे की चीज पे आप अधिकार नहीं जमा सकते। तो ये आपकी है और ये दूसरे की है, ये बात अपन ने इसी नए के आधार पर स्थापित की। यदि इस नए को सर्वथा नहीं माना जाए तो दुनिया में सारी वस्तु या तो अपनी है या कोई भी चीज अपनी नहीं। तो आदमी बने, या तो आदमी से दो स्थिति रहेगी, या तो आदमी मुनि बन जाए सब चीज छोड़ के, मेरा मकान ही मेरा नहीं, जंगल चले जाओ, और या फिर जानवर हो जाएगा, जंगल जाने की स्थिति नहीं है तो किसी में भी अपना मुंह मारे, किसी भी मकान में घुस जाए, तेरा भी नहीं है मेरा भी नहीं है तेरा भी नहीं है, कहीं भी घुस गए तो फिर वो जानवर ही बन जाएगा आदमी। तो आदमी ना मुनि बन सकता है समझ लो कोई, और ना उसको हमको जानवर बनने देना है। तो हमने बीच का एक मार्ग अपनाया, देखो जो तुमने न्याय नीति से कमाया है वो तुम्हारा धन, जो तुमने न्याय नीति से मकान बनाया है वो तुम्हारा मकान है, और बाकी तुम्हारे नहीं है। तो ये व्यवहार नहीं बताता है कि अपना है ये पराया है। सब जितने भी कोर्ट में केस चलते हो किसके नए आधार पे, व्यवहार नहीं क्या रहा, कौन से व्यवहार, उच्च दशा का व्यवहार कि भाई हमने इस पे मकान पे हमने पैसा दिया, हमने किया, हमने मैंने, यही वो नया है जो ये कहता है कि अपनी जेब का पैसा अपना है और पराई जेब का पराया है। नहीं तो चोरी, चोरी की परिभाषा ही बनेगी, बता चोरी परिभाषा बनाओ, क्या चोरी परिभाषा, तो पर वस्तु वही का उसकी भी कहा है तो चोरी नहीं कहलाई। मैंने कहा तुम्हारी चुराई तुम्हारी यही काम है। तो ये सारा जो है ना पशु राज हो जाएगा, जंगल राज, कोई किसी का कोई किसी की कुछ नहीं रहेगी, चाहे जिसकी जो वस्तु ले लो बोले तुम्हारी यही नहीं है। तो आदमी जो है क्षण भर में पशु के समान आचरण करेगा, इसलिए उसको पशु न बने इसके लिए हमने एक लौकिक न्याय नीति की व्यवस्था बनाई कि भैया अपनी जेब का अपना है और पराई जेब का पराया है, पराई जेब का धन यदि तुम चुराते हो तो उसका नाम चोरी है और पाप है, नरक का कारण। ऐसे अपनी स्त्री है जिससे अपन ने जो है पंचों के सामने जो भी विवाह हुआ वो अपनी स्त्री है और बाकी सब परिस्त्री व्यवहार में से, नहीं तो निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये एक मर्यादा में लेके आए कि नहीं आए, ये तो अमर्यादित आचरण होगा कुछ, तो हमने मर्यादा में लेके आए भैया यही अपनी है बस बाकी सब पर है, तो वहां तक सीमित हुआ नहीं हुआ। ऐसे जो अपनी जेब का पैसा है वो अपना है बाकी सब पड़ा है, ये तो चोरी की परिभाषा नहीं बन सकती, स्वस्त्री परिस्त्री की नहीं बनेगी, तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत की नहीं बनेगी। परिग्रह का परिमाण करना, तो परिग्रह क्या पूरी दुनिया ही अपनी है किसका परिमाण, परिग्रह का परिमाण में ये बात आ गई ना कि अपने पास कितना रखना, अपना पैसा अपना मकान कितना होगा, वो भी इसी नहीं के आधार पर। तो इसलिए ये चरणानियोग का उपदेश भी सारा फेल हो जाएगा, रत्नानियोग की कहानी ही नहीं बनेगी। इसलिए इस नई की भी उपयोगिता जानकर इसको जिनवाणी में स्थान तो मिला है ताकि हमारा लोक व्यवहार चल सके, हम मनुष्य बन सके, तो मनुष्य बनाने के लिए इस नई की उपयोगिता थी, इसलिए इसको जिनवाणी में स्थान मिला है। दूसरी बात कि सदाचार के लिए, न्याय नीति के लिए, और मनुष्यत्व का मतलब मनुष्य में न्याय नीति का आचरण हो इसके लिए भी इस नई की उपयोगिता है, इसलिए इस नई को जिनवाणी में स्थान मिला है व्यवहार नहीं, लेकिन बस इतना ही है कि इसको वो व्यवहार नहीं जितनी उपयोगिता है उससे ज्यादा वो चलेगा आगे कदम बढ़ेगा। अरे तो इतना अच्छा नहीं है तो इसको तो अपने को ऐसे ही मान लेना चाहिए कि अपनी पत्नी है और अपने मकान है, तो मानेगा तो मिथ्या दृष्टि के लाएगा, और लौकिक व्यवहार के लिए अपना कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझा रही बात कितनी गहराई है चीजों नहीं तो ये सब पाप ही नहीं ठहरेंगे।
सारे और भी जो भी चीजें वैश्य वैश्य क्या स्त्री, तो ऐसा नहीं है, पर स्त्री है। तो इसलिए ये है, ये इसको उपयोगिता है, इसलिए इसको स्थान मिला है, लेकिन इतनी उपयोगिता है उसकी, उसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है। अभी एक और अपने अपना एक ही बच्चा ना, अभी तो उपचरित की बात करिए, मतलब उपचरित असद्भूत व्यवहार में की उपयोगिता है कि वो हमें मनुष्य बनाना सिखाता है, मनुष्य बनना सिखाता है, मनुष्यों में न्याय नीति का आचरण करना वो सिखाता है। तीसरी बात सदाचार, माने अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का आचरण भी इसी नए के आधार पे बनता है। ये तो बनेगी भी परिभाषित, ठीक। अब अपन आओ उपचरित अनुपचरित असतु व्यवहार, अनुपचरित असतु व्यवहार नहीं, इसको अपना कहता है शरीर। अब क्या शरीर वास्तव में अपना है? नहीं, असद्भूत है, ये बात अच्छी नहीं है। क्या ये बात सच्ची नहीं है? कौन सी बात? कि देह अपनी है नहीं, असद्भूत है बात। तो फिर देह को अपना काय क्यों? जब देह अपनी है ही नहीं, तो फिर इस नए को जनवाणी में स्थान मिलेगी? तो ऐसा है कि यदि संस्था इस नए को स्वीकार न करे तो ये दिक्कत आती है कि फिर जैसे हम भस्म को मसलते हैं ना, भस्म राख, राख को मसल, कुछ पाप लगता है? चीटी, चीटी के शरीर को मसल दिया, क्या कर रहे हो? जीव मसल दिया तुमने, जीव, जीव तो अजर अमर है, जो मसला है वो किसको मसला है? उद्गल शरीर, शरीर और जीव तो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। एक थप्पड़ मार उसको जिसने कहा, क्यों मार रहे हो? देह को मार, देह और आत्मा तो बिल्कुल अलग अलग है। नहीं, बड़ा दुख होता है इससे। तो बेटा जिस नए से तेरे को दुख हो रहा है, उसी नए से उस चींटी को भी दुख हो रहा है। जिस नए से तेरे को तेरा आत्मा और शरीर एक लग रहा है, उसी नए से उसको भी एक लग रहा है। इसलिए ये कहीं हिंसात्मक आचरण नहीं करने लग जाए इस नए को छोड़ के, इसलिए इस नए को जिनवाणी में स्थान मिला है। नहीं तो आदमी हिंसा को कर जाए, मारेगा शरीर को, चला शरीर को मारा, तुमको नहीं मारा, आत्मा तो स्पेशल, आत्मा तो शास्त्र से कटती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, तो किसी को जिंदा जलाया कोर्ट में के, मैंने तेज नहीं, आत्मा कैसे जले, तो वो पाप ही नहीं सिद्ध होगा कि उसने हिंसा की। जबकि अपन क्या कहते हैं, देह ही नहीं जली, उसने जीव ही जलाया है। इसलिए वो हिंसा और अहिंसा का संबंध इस नए के आधार पर है, किस नए के? अनुपचरित असत्व व्यवहार। नहीं तो अपना सारा अहिंसा का आचरण खत्म, फिर पशु बन जाएंगे। पशु होते पशु कोई वो नहीं होती, खा लेते जीव मार के, भूख लगती है अपने बच्चों खा जाते, भोज्य वस्तु है अपनी, यानी ऐसा तो जीव है, उसको मां पीड़ा होती है, जैसे अपने को दुख होता है ऐसा उसको पीड़ा होती है, एक क्षेत्र होगा संबंध है, जीव जैसे ही है। ये तो अपनी श्रद्धा करने के लिए, अनुभूति के लिए ये बात, इसका उपयोग करके और स्वच्छंद तो ही नहीं होना है, मैंने इसका उपयोग करके और ये कि हिंसा करे और कहे कि मेरे को तो कोई पाप ही नहीं, क्यों जैसे जीव को नहीं मारा, शरीर को मारा, तो कहते हैं वो उसकी छूट नहीं दी है। ये नए तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए था, ये लौकिक व्यवहार के अंदर नहीं था। लौकिक व्यवहार के हिसाब से तो वो व्यवहार है ही ना, व्यवहार नहीं के हिसाब से वो व्यवहारिक सत्य है, वो व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो परमार्थ में लगाएंगे तब बात करेंगे, अभी तो व्यवहार चल रहा है यहाँ पे, तो व्यवहार में परमार्थ क्यों घुसे? व्यवहार में तो व्यवहार की बात करो, काय की बात? यहाँ ये जीव है वही, ये शरीर है वही जीव है, परमार्थ से शरीर और जीव अलग अलग है, लेकिन व्यवहार में जीव और शरीर एक कहे जाते हैं। कहा जाता है और न इसलिए क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता है, इसलिए इसको जनवाणी में स्थान मिला।
वो सद्बुद्ध में चले गए, आप सद्बुद्ध में देखें, आप आगे चले गए। ठीक है, समझ में आ रही बातें? दूसरी बात इतना ही नहीं है, यहाँ तक कि अपने कई स्त्रोत ऐसे हैं जिसमें देह के आधार पर भगवान की स्तुति की गई है, और वो सब स्त्रोत भी एकदम झूठे सिद्ध हो जाएंगे यदि इस नए को अपन बिल्कुल ना माने तो। हरिहर सामले दो गोरे दो लाल, सोलह कंचन वर्ण है, बंधु बांटो यहाँ, तो किसकी स्तुति? शरीर तो शरीर की है ना, शरीर और आत्मा तो बिल्कुल अलग अलग, तीर्थक करो की स्तुति हुई कहाँ पे? तो फिर फालतू की बात हो गई, जबकि मानिए गई ये तीर्थंकर की स्तुति है। तीर्थंकरों की स्तुति के रूप में कहा जाता है कि दो हरियल दो सांवले दो गोरे दो लाल सोलह कंचन वर्ण है, तो ये कौन है कंचन वर्ण? भगवान तीर्थंकर ही कहा जाता है ना, भगवान सोलह कंचन वर्ण के हैं, जबकि वो भगवान नहीं है वास्तव में, तो भगवान का शरीर है, लेकिन भगवान ऐसे शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है, और इस तीर्थंकरों की स्तुति भी शरीर के माध्यम से की जाती है। क्यों की जाती है साहब? कि दिखाई शरीर ही देता है ना, भगवान स्वयं जो है, भगवान तो दिखते नहीं है, दिखता तो शरीर है, और उनके शरीर को देखकर ही अपने परिणाम शांत होते हैं, उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपने परिणाम शांत होते हैं, इसलिए शरीर के आधार से भी स्तुति की गई है कि उनकी अति छवि भीत रागी नग्न मुद्रा जय परम शांत मुद्रा समेत, परम शांत मुद्रा है। अब ये सब शांत मुद्रा तो शरीर की है, लेकिन फिर भी हम यही मान रहे हैं कि शांत मुद्रा किसकी है? भगवान। तो फिर तो ये बात झूठी हो जाएगी कि शरीर आत्मा बिल्कुल अलग अलग ही है, किसी भी नए से एक नहीं है, किसी भी नए को मन उसको स्थान ही मत दो, तो क्या होगा? स्तुति खत्म। परम शांत मुद्रा किसकी है? परम शांत मुद्रा देखिए कि आत्मा की, आत्मा दिखता है, परम शांत मुद्रा देखी मैंने, किसकी? देह की। और इतना निरंतर संबंध है कि वहां वीतरागता, वो वीतरागता के दर्शन अपने को देह के माध्यम से ही हो रहे हैं, उनकी जो वीतरागता है वो आंखों से तो दिखती नहीं है, उस वीतरागता को देखने के लिए हमारे पास साधन क्या है? उनकी जो देह देह की अवस्था है, तो देह की उनकी शांत मुद्रा से हमें ख्याल में आ जाता है कि वे कैसे अंतर में शांत है। देखो कोई आदमी गुस्सा आता है भयंकर, तो उसके चेहरे से पढ़ लेते, उसका आत्मा नहीं दिखा अपने को, फिर उसका चेहरा दिख गया अपने को, अपन समझ गए बहुत गुस्सा आ रहा है, इनको भी कुछ मत बोल, चेहरे से इशारे अंदर के भाव पकड़ में आते हैं क्या? जैसे भगवान की मुद्रा को देखकर हमको भगवान की वीतरागता का ज्ञान होता है, इसलिए हम उस मुद्रा के आधार से भगवान की स्तुति करते हैं, यद्यपि वो असद्बुद्ध हमारे नहीं की स्तुति है, लेकिन वो असद्बुद्ध होने पर भी हमारा उपकार करती है, इसलिए हमने उसको जिनवाणी में स्थान दिया है, असद्बुद्ध व्यवहार ने इसके आधार पर की गई स्तुति को भी जिनवाणी में स्थान मिला। भक्ता में स्त्रोत तो है ही क्या पूरा, असद्बुद्ध व्यवहार नहीं के आधार पर, सद्बुद्ध नहीं उसके अंदर, सद्बुद्ध तो दो चार गुण होंगे उसमें, तो असद्बुद्ध व्यवहार तीन छत्र की स्तुति है, महामंडल की है, चमर की है, सिंहासन की है, और छत्र तीन छत्र की है, देव दुंदुभि की, तो ये तो बहुत बाहर की चीज है, तो बात की बात है, तो सब बाहर की चीज, कितनी दूर की, छत्र उनके लगे ऊपर, उसमें भगवान का क्या गया, छत्र का कुछ आगे उनमें, सिंहासन यहाँ है, महामंडल यहाँ है, अशोक वृक्ष यहाँ है, देव चौसठ चमर ढो रहे हैं, उससे उनकी आत्मा में क्या हो गया? बल्कि भगवान के आठ प्रातिहारिक कौन से नए से, कौन से व्यवहार है? उच्चरित असद्भुत व्यवहार में से, और उच्चरित असद्भुत व्यवहार में कितना मजा आता है, मंदिर में कितनी शोभा करते हैं, हम तो लेने ही पड़े क्या, जैसे अच्छे आठ प्रातिहार सोने के चांदी के ये सब लगाते हैं क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि वो सब उच्चरित है, लेकिन वास्तव में भगवान का वो वैभव सब नहीं है, भगवान का असली वैभव तो उनका अनंत ज्ञान दर्शन सुवीर है, लेकिन जगत के जीवों को बहिरंग विभूतियों की महिमा आती है, इसलिए उनको बहिरंग प्रातिहार बताए जाते हैं, और फिर उनके देह के ऊपर लेके आते हैं, और फिर उनको आत्मा पे लेके आते हैं, क्योंकि उनको क्या करें, उनकी दृष्टि वहां तक जाती नहीं ना, ये दृष्टि वहां चली जाए तो उसको ऐसे बताने की जरूरत नहीं कि उनका असली वैभव तो उनका अनंत चतुष्टय है, ये कोई उनका वैभव तो ही नहीं, ये वैभव साथ जाएगा उनके आठ प्रातिहार,
छत भी उड़ के जाएंगे ऊपर, मोक्ष छत जाते ऊपर उड़ के, सिंहासन जा रहे हैं ऊपर, सिंहासन के साथ साथ चले जाएंगे, भावंडल कुछ नहीं जाएगा। इसलिए उनके कहा है, यदि उनके हो निश्चय से तो ये उनके साथ जाने चाहिए, अनंत चतुष्टय निश्चय से उनके हैं इसलिए वो उनके साथ जाते हैं, और ये सब उनके नहीं है इसलिए उनके साथ नहीं जाते, नहीं ले जाते सब, कुछ शरीर कोई नहीं जाता, आत्मा के तेजस शरीर नहीं होता, तेजस शरीर भी शरीर है, परमाणु है, उद्गल है, सारे शरीरों का संबंध छूट जाता है। भगवान सिद्धालय में केवल शुद्ध आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, वहां कोई शरीर नहीं हो, आखिरी शरीर जाता है, आखिरी आकार लेता है, तो आत्मा का आकार है, वो शरीर का तो ही नहीं, शरीर तो ही रह गया, वो उससे कोई मतलब तो ही नहीं, वो कोई शरीर का संबंध तो ही नहीं रहा उससे। किसी अपन ने सांचे में कोई चीज रखी, वो निकाल ली, सांचा उसके साथ आ गया क्या? उस सांचे में था वो आत्मा का आकार, सांचे से निकल गया, आकार वही रहा, लेकिन उससे शरीर का संबंध तो ही नहीं, सांचा होता है ना, देखा होगा ना, निश्चय से वो अभी आगे, हाँ मतलब अनुपचरित जो भी है असद्भूत में जाएगा, असद्भूत नहीं है वो, अभी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन ये सब असद्भूत है, अपन तो अभी इतना समझो क्या सब असद्भूत है, उनके अष्ट प्रातिहार भगवान की कहना, भगवान का शरीर सुंदर है ये कहना, ये सब असद्भूत में, अष्ट प्रातिहार को भगवान का कहना ये उच्चरित में, और भगवान के शरीर की स्तुति मैंने शरीर सुंदर है कहना अनुच्चरित में, भक्तावली ने जो कहा जाता है ये सब असद्भूत है, ये सब सद्भूत नहीं है, सब परमार्थ कुछ नहीं है, सब वास्तविकता नहीं है, सब ये सब अज्ञानी जगत के जीवों को समझाने के लिए सब बातें हैं, ये सब उनके वास्तव में भी कुछ नहीं। लोगों को बाहर की चीजें दिखती ना, पहले सबसे पहले क्या दिखते हैं, प्रातिहार देह फिर आत्मा, तो इसलिए तीर्थंकरों की स्तुति साहित्य भी सारा झूठा सिद्ध हो जाएगा, इसने को अपन सर्वथा नहीं मानेंगे, तो इसलिए उपयोगिता है, इतनी उपयोगिता जान के इसको जिनवाणी में स्थान मिला है, इसमें इतनी उपयोगिता करना है इसकी, जितनी इसकी जितना इसका जिस कारण के लिए जिस उपयोगिता के लिए इसको जिनवाणी में स्थान दिया गया है उतना ही उपयोग उसका करना, उससे एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़े और अपने कार्य तो नए रखने लायक है, तो ये नए रखने लायक जहाँ तुमने मान लिए, मैंने रखने लायक मैंने इसकी जो मान, इसका जो कथन है यदि वैसे ही हम मान लेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, क्योंकि छह डाला की कॉमन पंक्ति बिल्कुल देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, जो देह और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है, तत्व के बारे में मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी। अब बताओ इसलिए जो नए कहता है देह और आत्मा एक है उस नए को स्वीकार करना कि नहीं करना, कहने के लिए स्वीकार करना, मानने के लिए स्वीकार नहीं करना, क्योंकि मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि नहीं, जब हिंसा होगी तब क्या अपन मानेंगे, तब भी मानने तो यही पड़ेगा ना, देह जीव को दूसरों की हिंसा के लिए तो भैया अपन यही तत्व ज्ञान है अपने को कि देह अलग है आत्मा अलग है, लेकिन उस जीव को दुख हुआ और अपने को जो पीड़ा पहुंचाने का जो भाव हुआ उससे अपने को पाप बंद हो, उसके मरने से नहीं पाप बंद होता, उसको अपने को उसको मारने के भाव से पाप, भाव नहीं तो कैसे मरेगा, भाव नहीं तो कैसे मरेगा, भाव के बिना कोई कैसे मरेगा, हमें तो पाप बंद होता है मारने के भाव का होता है, मरने का भी बंद नहीं होता, जीव को जो पाप बंद हुआ उसके भाव से, तो भाव तो अपना था ना, तो इसलिए इसमें कितनी उपयोगिता है, कितनी कि इसका काम केवल लौकिक सदाचार के लिए है, न्याय नीति के लिए है, अहिंसा आदि व्रतों के पालन के लिए, अहिंसा आदि जो अच्छा आचरण है उसके पालन के लिए, बाकी ये श्रद्धा के लिए नहीं, श्रद्धा में यदि ऐसा मानेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा,
ये केवल लौकिक व्यवहार के लिए कहा गया है। असत बुद्ध व्यवहार में काम केवल सदाचार और लोक व्यवहार है। सदाचार पांच पाप नहीं करें, लोक व्यवहार मतलब लौकिक न्याय नीति की व्यवस्था बनी रहे, इतने इसका उपयोग है। ये तुम्हारे जीवन में आ गया, उसके बाद हम कहेंगे अब इसको तुम छोड़ दो। छोड़ दो मतलब इसकी जो मान्यता है मान्यता को छोड़ दो, ये बिल्कुल मानना छोड़ो आज से। क्या ये देह और आत्मा एक है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे यहाँ से मानना छोड़ दो, क्योंकि जो चीज आनी इनसे अपने को जो चीज ग्रहण करनी थी वो अपने पास आ गई। अब वो आ गई ना, तुम्हारे जीवन में सदाचार आ गया मतलब अहिंसा समझ में आ गई, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य आ गया, न्याय नीति सीख गए, लौकिक व्यवहार ठीक है, बोलने चालने में समझ में आ गया क्या क्या बोलना, तो ये तो सब आते ही ना, किसको नहीं आता। मैं कहता हूँ ये तो मैं इसको शिक्षा देने की किसको जरूरत है, लोक में क्या बोलना ये सब चतुर है, न्याय नीति क्या है न्याय नीति सब समझते हैं, अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य ये तो अपने खून खून भरा हुआ है, लेकिन ये जो मतलब ये चीजें तो अपने जीवन में यूं ही है, लेकिन इसके साथ में क्या इसकी मान्यता भी अपने जीवन में, वो मान्यता छोड़नी थी, जबकि मान्यता के आधार पे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी स्वीकारता को केवल न्याय नीति के लिए, न्याय नीति जीवन में आ गई तो फिर इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो मतलब इसकी मान्यता छोड़ दो, क्या मान्यता कि ये मेरे हैं देह मेरी ये मानना छोड़ दो, इसकी प्रारंभिक भूमिका में आवश्यकता होती है बाद में नहीं। जैसे अपन प्राइमरी स्कूल जाते हैं शुरू में जरूरी है, लेकिन इतना अच्छा स्कूल है मैं तो ये जाऊँगा, तो ये प्रारंभिक भूमिका में इसकी आवश्यकता है उपयोगिता है व्यवहार में, बाकी नहीं वो भी असंभूत व्यवहार में, मतलब आदमी को आदमी बनाना है अपने को, हिंसा झूठ चोरी पर खुशी परिग्रह पाप नहीं करे न्याय नीति से रहे, उत्साह आ गया उसको, अब आ गया तो बात हो गई, इसका काम पूरा हो गया, अब काम पूरा हो गया अब बिल्कुल निर्ममता से इसका निषेध कर दो कि ये न्याय बिल्कुल असंभूत है, इस न्याय की मान्यता रखने लायक नहीं। जैसे अपन क्या होता है कपड़े धोते ना, कपड़े काय से धोते, कपड़ा काय से धुलता है साबुन, अब कपड़े पे अपने साबुन लगाया तो साबुन से धुलता है धुल गया, साबुन लगाया धुल गया, तो साबुन कपड़ा तो धोता है ना, साबुन को कैसे निकाल दो, तो साबुन से कपड़ा धुलता है कि साबुन हटाने से कपड़ा धुलता है, साबुन लगा के हटाने से धुलता है ना, साबुन लगाने से धुलता है ना हटाने से, साबुन लगा के हटाने से धुलता है, ऐसे ही इस नई की उपयोगिता है, लगा दो कब तक लगाना, जब तक सदाचार नहीं आ गया हटा दो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम है, कब लगाना कब हटाना क्या सीखना तो पड़ेगा। अभी अपन यहीं आते हैं समझ लो ऊपर तक अपने को चढ़ना है, तो अपन क्या करते हैं पहले सीढ़ी पे पांव रखते हैं, फिर जब ऊपर चढ़ जाते हैं सीढ़ी छोड़ देते हैं, नहीं इस सीढ़ी ने तो मेरे को ऊपर पहुंचाया, कितनी अच्छी सीढ़ी है मैं नहीं छोड़ सकता, तो खड़ गए भैया पास लोग में अपन नाव में बैठते हैं, कभी अपने को पार करना है बैठ गए, अब बैठ गए तो फिर क्या करते हैं पहले नाव से प्रेम करते हैं, अच्छी नाव बैठते हैं किनारे रखने पर उसी नाव को छोड़ देते हैं, ऐसे पहले प्राथमिक भूमिका में इस नए को अपने अडॉप्ट किया स्वीकार किया, जब वो चीज आ गई तो उसको छोड़ क्योंकि अब यही इसी पे पटके रहेंगे तो जो परमार्थ तत्व है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, निश्चय नहीं सकेंगे कुछ ना, इसलिए छोड़ने लायक जीव तो उसकी मान्यता रखेगा, देह जीव को एक मानेगा तो मिथ्या दृष्टि चलाएगा, ये तो व्यवहार के लिए अपने को सिखा दी दो चार बातें, अब आदमी आदमी जैसा जिए कुछ भी उठपटांग बातें नहीं करे इसके लिए है ये सब, बाकी ये मानने के लिए नहीं, समझ में आया ना। तो ये उच्चरित असंभूत व्यवहार नहीं की उपयोगिता, उच्चरित असंभूत व्यवहार नहीं की उपयोगिता अपने पढ़ी, साथ में नहीं क्या कहते हैं अपन पढ़े, कल अपन पढ़ेंगे संभूत व्यवहार में किसे कहते हैं।